आई मेरी बहना पढ़ो लिखो जी आ ई क ख ग घ पढ़ो लिखो जी आ ई क ख ग घ पढ़ो लिखो जी तुम सब साथी बन जाओ होशियार बहना बन जाओ होशियार पढ़ लिख कर तुम सब साथी बन जाओ होशियार साथी बन जाओ होशियार अक्षर ज्ञान की दीप जला लो कट जाए अंधियारा अक्षर ज्ञान के दीप जला लो कट जाए अंधियारा पढ़ो लिखो भाई बुर्के में सिमटी इन महिलाओं को कुछ समय पहले तक पता नहीं था कि पर्दे की बाहर की दुनिया कैसी है। घर की चार दीवारी में ही खत्म हो जाता था उनका सामाजिक जीवन और पर्दे के भीतर ही दबकर रह जाती थी आगे बढ़ने की लालसा। लेकिन साक्षरता अभियान ने राजस्थान के भरतपुर जिले की इन मुसलमान महिलाओं को बुर्के से बाहर देखने की दृष्टि दी। बधाइयां स्वीकार करती और लगन से पुस्तकें पढ़ती ये महिलाएं फक्र से कहती हैं कि अब वे भी पढ़ी लिखी हैं। बहुत फर्क आया, हमें बोली चाली में भी बहुत अंतर आया है। पहले हम ऐसे ही बोल लेते, आप सबको देख के नहीं हम बोलना इतना समझ गए कि किससे किस तरह से बोलना चाहिए। अब तक भरतपुर को भारत में साक्षरता के लिहाज से सबसे ज्यादा पिछड़े इलाकों में गिना जाता था। यहाँ की 100 में से 81 महिलाएं अनपढ़ थीं। इसीलिए 3 साल पहले जब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने इस जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया तो इसमें महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया और इस तरह से भरतपुर का साक्षरता कार्यक्रम एक तरह से महिला निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम बन गया। भरतपुर के साक्षरता अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि है महिलाओं में बढ़ती जागरूकता। जिले की महिलाएं न सिर्फ नियमित रूप से पढ़ने आती हैं बल्कि विभिन्न मुद्दों पर अपनी आवाज भी उठाने लगी हैं। घूंघट और घर में सिमटी रहने वाली महिलाएं अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी हैं। 3 साल पहले जब भरतपुर जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू हुआ तब हालात कुछ और थे। महिलाओं को पढ़ने के लिए बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अभियान से जुड़े लोगों और स्वयं सेवकों की लगन ने असंभव को संभव कर दिखाया। साक्षरता को हमने पब्लिक कैंपेन के रूप में लिया। डीग पंचायत समिति में करीब 35,513 निरक्षर आइडेंटिफाइड हुए और उन 10 निरक्षरों को पढ़ाने के लिए एक स्वयं सेवक गाँव का ही पढ़ा लिखा युवक वो रखा गया और गांव के ही प्रबुद्ध लोगों की एक साक्षरता कमेटी बनाई गई और पब्लिक में और विशेष रूप से लेडीज़ में निरक्षरता ज़्यादा थी तो उनमें अवेयरनेस लाने के लिए कल्चरल जो वहां के लोकल कल्चरल एक्टिविटीज़ थी उनके माध्यम से मैसेज दिया गया कि भाई पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने ना घर घर संपर्क किया और हम उनके साथ ऐसे मिल गए जैसे कि हम कोई अलग से उनके से अलग नहीं है। अगर उन्होंने जैसी लैंग्वेज बोलती है हमने वही लैंग्वेज बोली, अगर वो ज़मीन पर बैठे हैं तो हम उनके साथ ज़मीन पर बैठे हैं। हमने उनका जो है विश्वास लिया हमने और उनको हमारे ऊपर विश्वास हो गया कि ये हमारी तरह ही हैं और हमसे अपने को अलग नहीं समझती हैं। हालांकि ये पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी हमसे नहीं अलग समझती, तो इससे वो क्या हुआ कि हमारे साथ सब आ गई। जिले में साक्षरता के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रचार अभियान चलाया गया और तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सहारा लिया गया। ग्रामीण निरक्षरों को आकर्षित करने के लिए साक्षरता अभियान के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लोक कलाकारों को जोड़ने की तरकीब बहुत कामयाब रही। धीरे धीरे भरतपुर के कई लोक गायक वादक और नर्तक इन कार्यक्रमों से जुटने लगे। साक्षरता के लिए माहौल बनाने के साथ साथ शुरू हुआ स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण। प्रशिक्षण में इस बात पर ध्यान दिया गया कि निरक्षरों को अक्षर ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखा जाए बल्कि साथ ही साथ रूढ़ियों और अंधविश्वासों के खिलाफ मुहिम भी चले।
पढ़ने वाली महिलाओं को परिवार नियोजन और टीकाकरण जैसी बुनियादी बातें तो समझाई ही जाएं, अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया जाए। साक्षरता अभियान से छात्र छात्राओं को जोड़ने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रशिक्षण के बाद हर स्वयं सेवकों को सौंपी गई 10 निरक्षरों को साक्षर बनाने की जिम्मेदारी। गाँवों में निरक्षरों का विश्वास जीतना ज्यादा मुश्किल था, इसलिए जरूरत पड़ी स्थानीय लोगों को साक्षरता अभियान से जोड़ने की। पढ़ाई का काम गांव वालों ने ही लिया, लोग गांव की साक्षरता कमेटी घर घर गई जो पढ़ने लिखने नहीं आते, क्योंकि ट्रेडिशनली लोग बच्चियों को कम पढ़ाते हैं, महिलाएं भी इतनी रुचि नहीं लेती, तो साक्षरता कमेटी उन लोगों को समझाने गई। उसके साथ हमने एक अपने अध्यापक को भी, जो प्रधानाध्यापक था संस्था का, सबसे बड़ी संस्था का जो प्रधान था, उसको सचिव के रूप में उसमें रखा और उसने सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया। भरतपुर के साक्षरता अभियान की सबसे बड़ी विशेषता है मुसलमान महिलाओं का इससे जुड़ना। पर्दे के भीतर सिमटे एक बंद समाज की वर्जनाओं को भेदना जितना मुश्किल था, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी, लेकिन इन महिलाओं के बीच साक्षरता अभियान को बहुत सफलता मिली। मुसलमान महिलाएं हैं में जागरूकता ज्यादा है, वो पढ़ना चाहती हैं क्योंकि वो पढ़ना बाहर तो निकलती नहीं है, उनके घर पर वो चाहती है कि हमारे घर में या हमारे मोहल्ले में आकर हमें पढ़ाया जाए। बाहर से चिट्ठियाँ आती थी तो उनको हम बाहर ही पढ़वाते थे कि तुम पढ़ दो रे, ऐसे हम कहते थे, तो हमको ऐसा लगा कि कोई कैसी चिट्ठी है, तो इनको हम खुद पढ़ें, तो इस मारे हम खुद पढ़ना चाहते थे कि हम खुद पढ़ जाएं। साक्षरता अभियान ने इन महिलाओं का सपना पूरा किया। चूल्हे चौके से शुरू होकर चूल्हे चौके पर ही खत्म हो जाने वाली दिनचर्या धीरे धीरे बदलने लगी। देखते ही देखते इन अनपढ़ महिलाओं की जिंदगी ने नई करवट ले ली। रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ लेते हैं, पोस्ट ऑफिस जाते हैं, दस्तखत कर देते हैं, अंगूठा नहीं करना पड़ता है हमको, और अखबार में नई नई खबर आती है तो उनको भी पढ़ लेते हैं, और बहुत कुछ पढ़ने से वो कहीं जाते हैं तो गाड़ी उन पर होते हैं, नंबर वगैरह पहचान लेते हैं। कहानी वानी आती है ना, उसमें सब कुछ आता है, ये घरेलू मामले की आती है, ये किताब आती है, उसमें खाना भी आता है, कैसा बनाना चाहिए, कि कैसा उठना चाहिए, किसके सामने, समाज के सामने कैसा बोलना चाहिए, ये सब आता है उसमें। तो हमें इतना बदलाव आ गया हमारे जीवन में पहले से बहुत ज़्यादा। अब मैं पोस्ट ऑफिस के फॉर्म भर लेती हूँ, और जैसे कहीं के भी फॉर्म भरवाते हैं वो मैं सब भर लेती हूँ फॉर्म वगैरह, और जैसे घर के भी साग सब्जी का हिसाब किताब कर लेती हूँ, बच्चों के लिए पढ़ा देती हूँ, गुणा भाग करवा देती हूँ बच्चों के लिए, और पहले मेरे को बच्चे पढ़ाते थे, अब मैं बच्चों को पढ़ा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के बीच मिली सफलता से ही भरतपुर के साक्षरता अभियान की इतिश्री हो गई हो, निरक्षरता के अंधकार के खिलाफ संघर्ष अभी जारी है। अब के इस प्रोग्राम को दूसरे तरीके से जोड़ा जाने का प्रोग्राम है कि जो हमारे डेवलपमेंट स्कीम्स हैं या गाँव में रोजमर्रा में काम आने वाले उद्योग धंधे हैं या एक्टिविटीज हैं, उनमें जानकारी देने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए भी उसमें जो कक्षा लगाई जाएंगी पढ़ाई लिखाई की, उनके साथ उसकी भी जानकारी दी जाएगी। हम थोड़ा सा ये प्रयास कर रहे हैं कि इनको स्वरोजगार से जुड़ें, इनको जैसे कुर्सी बुनना सिखाएं, दरी बुनना सिखाएं, और फिर सारे ऑफिसों में हमने ये कंपलसरी कर रहे हैं कि कुर्सियाँ वो यहीं से, चेतना केंद्र हम जो खोल रहे हैं यहीं से बुनवाएं। भरतपुर के साक्षरता अभियान ने निरक्षरता के अंधकार से घिरी महिलाओं के बीच अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और दायित्वों के प्रति जिम्मेदारी पैदा की है। अब उसमें आगे बढ़ने की ललक है और शायद यही इस अभियान की सबसे बड़ी कामयाबी है। साक्षरता मिशन की सफलता की मिसाल तो सभी जगह अद्भुत है, लेकिन अंदाज सभी के निराले, कहीं स्वयंसेवी प्रयास तो कहीं जिला प्रशासन के अनोखे विचार, कहीं कला और संस्कृति के जत्थे तो कहीं बचत और विकास की योजनाएं, सभी साक्षरता के शानदार आयामों का आधार रहे। थ्रिफ्ट सोसाइटी भी एक ऐसा ही अनोखा आधार है। Many of the women's workers, particularly in stone quarries and other areas,
we have been able to develop a thrift movement among them. When women are organized, instead of allowing them or permitting them to take their daily earnings home, where very often their husbands squander it away on liquor and other such vices, we have been able to bring bank branches to the site of the workplace and have the daily earnings entered in the passbooks of the lady workers. And this has given them a tremendous sense of economic empowerment. And I think one of the great thrusts of literacy is to bring this sense of empowerment to our women neo-learners. सीमांत भोटिया जनजाति के लोगों में तो साक्षरता अभियान सफल ही तभी हो सका जब साक्षरता को लोगों के दैनिक काम धंधे से जोड़ा जा सका। मध्य हिमालय की ये बर्फीली चोटियां देश की रक्षा प्रहरी हैं। नीति और माणा यहाँ के ऐसे सीमांत गांव हैं जहाँ परदेशों का पहुंचना आज भी बहुत कठिन है। इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने पिछले दो वर्षों से यहाँ पढ़ने पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। सच कहें तो साक्षरता मिशन ने यहाँ सिर्फ दस्तक ही नहीं दी बल्कि अपने प्रयासों का पहला चरण भी पूरा कर लिया है। पहले इन भोटिया गांवों में साक्षरता का ये संदेश पहुंचाना बहुत ही मुश्किल था। एक तरफ कठिन जंगली रास्ते थे तो दूसरी तरफ जंगली जानवरों का खौफ, और फिर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अपने आप में मस्त रहने वाले भोटिया लोगों से कैसे संपर्क साधा जाए। भोटिया लोग शुरू से ही संगीत प्रेमी रहे हैं, इसलिए साक्षरता मिशन ने इनके लोक गीतों को माध्यम बनाया। गीत संगीत से बात शुरू हुई और गीतों द्वारा साक्षरता का संदेश पहुंचाया गया। लोग साक्षरता की तरफ आकर्षित हुए और जब साक्षरता इन लोगों के दैनिक धंधे से जुड़ गई तो मिशन का काम और भी आसान हो गया। आज साक्षरता का ये काम यहाँ के स्कूली बच्चे कर रहे हैं। पहले तो हमने इन्हें लाइन डालना सिखाया, केवल 5-6 दिन ऐसे ही सिखाए। फिर उसके बाद जैसे ओ बनाना है तो केवल ऐसा ऊपर का हिस्सा सिखाए। फिर उसके बाद 2-3 दिन तो ऐसे ही सिखाए ऊपर का हिस्सा, फिर नीचे का हिस्सा सिखाया ऐसा करके 2-3 दिन, फिर बीच में लाइन सिखाया ऐसा करके, फिर लाइन डाला। पहले तो हमने ओ केवल अंग अह तक सिखाए, फिर उसके बाद लाइन पहले क ल कल ऐसे ही छोटे छोटे शब्द सिखाए, क ल कल जैसे ब ल बल। फिर उसके बाद जैसे हमारे पास में जैसे मम्मी को आमा बोलते तो ऐसे ही सिखाए हमने, हमने अपनी लोकल भाषा में सिखाया इसलिए उनको जल्दी आ गया। हमने कहा जैसे आमा बोलते हैं हम घर में तो आ पहले ओ, फिर उसमें एक लट्ठा आ हो गया वो, फिर म, फिर उसके एक पीछे एक लट्ठा हो गया माँ हो गया तो आमा हो गया। फिर वैसे ही आपा, हम पापा को आपा बोलते हैं तो हम अपने लोकल भाषा में इसलिए उनको जल्दी आ गया। भारत तिब्बत सीमा से सटे हुए इस इलाके में साक्षरता कार्यक्रमों का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये गाँव भोटिया जनजाति के गाँव है। 1962 में भारत तिब्बत व्यापार बंद होने के बाद से इस जनजाति के लोग खाना बदोशों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। 6 महीने ऊपर सीमा के निकट तो 6 महीने नीचे घाटी में। चारे की तलाश में भी इन्हें भेड़ों के साथ जंगल जंगल घूमना पड़ता है, इसलिए इनके लिए बहुत जरूरी हो गया था कि बाहरी दुनिया से संपर्क बनाए, और बाहरी दुनिया से संपर्क साधने के लिए पढ़ना लिखना आना जरूरी था। अनपढ़ होने की वजह से ये अपने माल की पूरी कीमत भी नहीं वसूल पाते थे, लेकिन 1993 से जब साक्षरता स्वयं सेवकों ने इन्हें पढ़ाना शुरू किया तब से स्थितियां बदल गई हैं और अब लोग पढ़ने लिखने लगे हैं। उस जमाने में तो दूसरे दूसरे काम थे, आज जमाने में कोई पढ़ाई के लिए हम तो हौसला ही, हम तो ऐसा ऐसा लगा कि हमको ज्ञान मिला तो बहुत अच्छा हुआ के, क्योंकि थोड़े बहुत हमने भी अपने को कर दिया। आज महिलाएं गाँव के चौपाल में जमा होती है, पढ़ाई के साथ साथ घरेलू ऊनी कुटीर उद्योग का भी सिलसिला चलता रहता है। इसके बाद गीत संगीत इनकी सारी थकान को मिटा देता है। आज भी ये महिलाएं अपने हाथों से बनाए ऊनी कपड़े पहनती हैं। ये इनकी संस्कृति है और परंपरा भी। शॉल, कालीन और कंबल का काम तो यहाँ पहले से ही था, आज कालीन उद्योग ने भी तरक्की कर ली है। अब इन्हें ठगे जाने का डर नहीं है, इन गाँवों में खुशहाली फैल रही है। नव युवक बड़े बड़े शहरों में अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, रोजी रोटी के दूसरे साधन भी हो गए हैं। ये यहाँ साक्षरता की ही तो देन है कि आज भोटिया चेहरे समृद्धि और जागृति के प्रतीक बन गए हैं। चलेंगे जो हम पढ़ेंगे फिर ना चलेंगे।
पढ़ना लिखना जितना आवश्यक इन वनवासियों के लिए है, देश की राजधानी से सटे औद्योगिक नगर गाजियाबाद के लिए भी है उतना ही महत्वपूर्ण है। ये एक औरत है, कभी निरक्षर थी, एकदम अंगूठा टेक, अंधविश्वासों में जकड़ी और घर की चार दीवारी में कैद, ताउम्र चूल्हे चौके में फंसी रोजमर्रा की नीरस जिंदगी। लेकिन अब ये औरत अनपढ़ नहीं, पढ़ी लिखी है, खुद पढ़ती भी है और पढ़ाती भी। नव साक्षर मुन्नी की खुशी का तो ठिकाना नहीं। हमारे तो खुद ही बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी पहले से पढ़ती तो ठीक रहता, और अब तुमको पढ़ने से हमें भी थोड़ा ये है कि हमारी मम्मी पढ़ रही हैं। सत्यवती क्या कहती है? बुलाने गई वही कि तो कुछ पढ़ लोगी तो थोड़ा सा सीख लोगी, कुछ जानते ही नहीं हम, कोई दस्तक करवा तो हम पे कुछ ना आवे, लिखना ना पढ़ना। अब ऐसा है कि थोड़ा अच्छी तरह पढ़ा में ही तो कहीं जा रहे हैं बस में तो थोड़ा देख लें तो चले तो जाऊं। मैं भी कभी निरक्षर था, निरक्षरता की भंवर में फंसा एक आदमी, लेकिन अब मैं भी पढ़ लिख गया। जब अनपढ़ था तब सोचता था कभी पढ़ूंगा, इन हाथों से लिखूंगा, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि मैं छपूंगा भी। लेकिन मैंने पढ़ा भी और मेरा लिखा छपा भी। मेरे अक्षर ज्ञान की रोशनी में उद्योग नगरी वाली पहचान पुरानी पड़ गई, गाजियाबाद साक्षरता का प्रतीक बन गया। जब से साक्षरता अभियान चला है काफी पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है और सभी मतलब बच्चे स्कूल आते हैं। पहले हाँ कोई ऐसा जो पढ़ा लिखा लड़की हो तुम बोलो, पहले तो कह दे चलो गोबर कूड़ा कर लो, अब तो लड़कियों का पढ़ाने का शौक है। अब बढ़िया है, पहले आदमी पछड़े हुए अब ठीक है, अब आदमी जो पढ़ेगा लिखेगा किसी सोसाइटी में अच्छे में बैठेगा तो अच्छे सुधार करेगा। जो 91 की सेंसस है उसके अनुसार जनपद गाजियाबाद की लिटरेसी 55% थी, 55% के करीब थी, जो कि पहले चरण के बाद अब एवरेज जो आया है जिस क्षेत्र में इस प्रोग्राम को लागू किया गया वो 72% हो गई। साक्षरता अभियान को 3 चरणों में बांटा गया, विकासखंड, हापुड़, धौलाना और दादरी के 25 गांव जो ग्रेटर नोएडा में हैं और बिसरख। इस तरह से पहले चरण में ये विकासखंड लिए गए, दूसरे चरण में शेष ग्रामीण अंचल को लेने का विचार किया गया और तीसरे चरण में शहरी क्षेत्र को लेने का विचार किया गया। प्रथम चरण में कुल 62,233 निरक्षरों को साक्षर करना था, सामूहिक भागीदारी के बगैर ये संभव ना था। शुरू शुरू में दिक्कतें भी बहुत थीं। शुरू शुरू में व्यक्ति और ग्रामवासी इस कार्यक्रम को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, रणनीति बनाने के लिए जन साधारण को इससे जोड़ा गया। साक्षरता अभियान को बखूबी चलाने के लिए स्रोत व्यक्ति, मास्टर ट्रेनर्स और साक्षरता स्वयंसेवकों की एक पूरी टीम तैयार की गई। मैं इस साक्षरता अभियान में संदर्भ व्यक्ति के नाते जुड़ा हुआ हूँ, रिसोर्स पर्सन, जिसमें कि MTs की VTs की ट्रेनिंग दी जाती है और इसके लिए लखनऊ में जो लिटरेरी मिशन है वहाँ पर हम लोगों को एक हफ्ते की ट्रेनिंग मिली थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आकर के और यहाँ इन लोग MTs की यानी मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देते थे। स्वयं सेवक कुछ पढ़े लिखे होते हैं जो प्रतिभागियों को पढ़ा सके, कम से कम 8वीं क्लास पास जो है उसको अब यह समझा जाता है कि वो स्वयं सेवक शिक्षक बन सकता है। इस प्रशिक्षण शिविर में न सिर्फ शिक्षण की आधुनिक तकनीक से अवगत कराया जाता है बल्कि साक्षरता के अन्य व्यापक प्रभाव पर भी चर्चा होती है। हम इस बात पर जोर देते हैं कि वो इस योग्यता से पढ़ाएं प्रतिभागियों को कि उनकी जो अनुभव है उसका लाभ उठाते हुए नई पद्धति से IPCL पद्धति जो है उससे वो उनको शिक्षित करें। साक्षरता के स्वयंसेवक घर घर जाकर लोगों को पढ़ने के लिए तो कहते ही हैं, साथ ही अन्य भी बहुत कुछ बताते हैं। यहाँ 25 औरतें मेरे सेंटर में पढ़ती थीं, जबकि 16 औरतों के लिए बताया था, अब ज्यादा जाती हैं। मैं उनको कढ़ाई के बारे में भी बताती हूँ, सिलाई के बारे में बता देती हूँ। यह है कि भाई अब पढ़ लिए हम तो उससे हम अपना काफी औरों को भी फायदे उठा सकते, औरों को भी पढ़ा के अपना उनका ज्ञान बढ़ाते हैं। साक्षरता के क्षेत्र में मिली सफलता के प्रमुख कारणों में से एक है ये योजना, जिसके तहत सरकारी स्तर पर प्रत्येक विकास खंड में जिला स्तर के अधिकारियों को शिक्षण प्रशिक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये अधिकारी प्रत्येक गुरुवार को साक्षरता केंद्रों पर पहुंचते और लोगों की समस्याओं को सुनते।
सिलाई कटाई के लिए हम 20 महिलाओं का एक प्रशिक्षण शिविर यहाँ आयोजित करेंगे और उनके लिए सिलाई के लिए मशीनें भी उपलब्ध कराएंगे और कच्चा सामान भी दिलवाएंगे और जो तैयार माल होगा उसका फिर नीलामी करवाएंगे और बैंक से फिर हम आप लोगों को लोन कराएंगे। ग्राम पंचायतों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं रही। साक्षरता अभियान जो चला था तो इसमें हमारे 54 सेवक थे जिन्होंने निरक्षरों को 810 को साक्षर बना दिया है। जिला प्रशासन ने तो साक्षरता को सीधा विकास योजनाओं से जोड़ दिया। जिस दिन आप इस गांव को 100% आप साक्षर कर देंगे उसी दिन तक आपने जो हमारे सारे समस्याएं रखी हैं उन सारी समस्याओं का हम समाधान कर देंगे। साक्षरता अभियान है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप कामयाब बनाएं, तभी देश की तरक्की, तभी हमारी तरक्की, अपने अधिकारों को हम पहचान पाएंगे और आजादी का वास्तविक लाभ हमें तभी मिलेगा जब इस साक्षरता अभियान को हम सफल बनाएंगे। साक्षरता के आने से विकास के काम में भी आसानी हुई। जिस गांव में हमारी साक्षरता की योजना चलाई गई वहाँ के लोगों को हमारी जितनी भी विकास की योजनाएं थी उस संबंध में उन्हें जानकारी देना बड़ा सहज रहा। मैं यहाँ कार्य करने में बड़ी आसानी महसूस कर रहा हूँ, वो इस दृष्टि से योजनाओं के क्रियान्वयन में भी हमको काफ़ी मदद मिली है और लोग आकर के अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं विभिन्न योजनाओं के बारे में और वो ये भी बताते हैं कि साहब आपका कर्मचारी हमें सहयोग नहीं दे रहा या हमारा सही मार्गदर्शन योजनाओं के बारे में नहीं कर रहे हैं। साक्षरता से हमारी औरतों में काफी जागरूकता हुई है, जैसे महिला समृद्धि में भी काफी खाते खुलवाए। साक्षरता के इस अभियान में सांस्कृतिक टोलियों की अपनी एक अलग ही भूमिका है। दिलचस्प बात तो ये है कि संगीत टोलियों के इन सदस्यों ने पढ़ाया भी। हमारे ग्रुप में, म्यूजिकल ग्रुप में 7 मेंबर और 7 में वीटीज हैं। एक के हिस्से में 15-15 निरक्षर आदमी आए तो उनको हमने साक्षर किया और संगीत के माध्यम से हमने काफी जगह इसका प्रचार भी किया साक्षरता का। इस पढ़ने पढ़ाने के काम में समाचार पत्र एक अचूक हथियार साबित हुआ। अक्षर उजाला का उद्देश्य न सिर्फ नव साक्षरों में चेतना भरना है बल्कि स्वयं सेवकों को प्रोत्साहित भी करना है। इन कोशिशों का प्रभाव आज ये है कि शहरों में बदलते गाजियाबाद के नव साक्षर गाँव बुराइयों से बचे रह सके। वातावरण बदल रहा है और लोग पढ़ने की तरफ रुझाव है उनका, उसका कारण खास ये है कि बहुत सी चीजें जो आजकल चल रही हैं विज्ञान के द्वारा नई नई चीजें आ रही हैं, वो बेपढ़ा आदमी तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाता था और जो पढ़ा आदमी है वो आजकल समझ रहा है कि हमको इससे क्या लाभ है। मेरे यहाँ कोई पर्दा नहीं है, कोई फर्दा नहीं है, मेरी बहू ना करती है ना मैं करवाती हूँ। पढ़ो मंगल पढ़ो समारोह बुधिया दीदी, पढ़ो तुम भी बुधिया दीदी पढ़ो। शोषण में तो दिन गुजर गए अब तो सब कोई जागो, शोषण में तो दिन गुजर गए अब तो सब कोई जागो।